दोस्तों ये गाड़ी है होंडा सिटी 2014 मॉडल। आप यहाँ पे पेपर देख सकते हैं, ये है 2014 मॉडल होंडा सिटी। ठीक है, इसमें दो चाबी है जिससे एक चाबी से स्टार्ट हो रहा है गाड़ी, एक से नहीं हो रहा है। तो इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है, दिखाते हैं आपको। यहाँ चाबी लगा के इग्निशन ऑन करते हैं, तो ये लाइट है प्लस कर रहा है, इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, गाड़ी क्रैंकिंग करे तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो चाबी है इससे हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम लगाते हैं, यहाँ पे इग्निशन ऑन करते हैं। देखिए जो लाइट हो प्लस करना बंद कर दिया, और गाड़ी चालू करते हैं तो गाड़ी चालू हो रही है। तो ये जो चाबी है जिससे स्टार्ट नहीं हो रहा है उससे हमको कोडिंग करना है, दोनों चाबी से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमने स्कैन प्लस एक्स का जो स्कैनर है वो कनेक्ट किया है इसमें। ठीक है, और उसका जो कनेक्टर है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया हुआ। ठीक है, तो जिससे स्टार्ट हो रहा है वो गाड़ी लगा के हम ऐसे इग्निशन ऑन कर दिए हैं। देखिए अभी सारी लाइटें बंद हो चुकी है। अब उसके बाद हम स्कैन प्लस एक्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले स्कैन प्लस एक्स क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इंटेलिजेंट डायग्नोसिस पे क्लिक करते हैं। ये ऑटोमेटिक विन नंबर वगैरह रीड कर लेगा हमारा और सीधा हमें होंडा पे ले जाएगा। तो ये रीड कर लिया, देखिए होंडा इसका यहाँ पे देखिए 25 नंबर वगैरह है। यहाँ से डायग्नोसिस में जाएंगे, इसके बाद यहाँ जनरल में जाएंगे। देखिए 25 नंबर डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पे होंडा सिटी 2014 में ले, फिर ओके कीजिए। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली यूज स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, इमो में जाएंगे। ये हमारा इमोलाइजर पे क्लिक करेंगे, फिर बोल रहा है ये देखिए फोर्थ इमोलाइजर है 0-0D इसका ये है टाइप है। ओके करेंगे, इमोलाइजर सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है कि आपको प्रोफेशनल लेवल पे पूरा तरह से नॉलेज होना चाहिए चाबी रजिस्ट्रेशन का, कि कैसे डिलीट करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, ओके करेंगे हम। अब यहाँ पे हमें कीज में जाना है, ऐड वन की पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारा एक चाबी से स्टार्ट हो रहा है, एक से और स्टार्ट करना है। तो हम ऐड की पे क्लिक किए, अब करा है स्विच ऑफ करने के लिए। तो यहाँ से हम स्विच ऑफ किए, ठीक है। अब बोला है स्विच ऑन करने के लिए, स्विच ऑन किया ओरिजिनल की से। ठीक है, फिर बोला है स्विच ऑफ करने के लिए, तो स्विच ऑफ किए। फिर बोला है अति न्यू की लाने के, टर्न द स्विच एंड स्विच ऑन विथ न्यू की। तो हम चाबी चेंज करते हैं यहाँ से जल्दी से, दूसरा चाबी लगा के इग्निशन ऑन कर दिए। अब बोला स्विच ऑफ करने के लिए, 15-12 सेकेंड गया तो स्विच ऑफ कर दिया मैंने। फिर बोल रहा है कि स्विच ऑन करने के लिए विदाउट चेंजिंग द इग्निशन स्विच, यानी उसी चाबी से स्विच ऑन करने के लिए जिसे स्टार्ट नहीं हुआ। तो स्विच ऑन किया मैंने, फिर स्विच ऑफ किया, फिर स्विच ऑन किया। अब कह रहा है कि डज द इमोलाइजर लाइट गोज ऑफ, इमोलाइजर लाइट हमारा चला गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके हम यस पे क्लिक करते हैं। अब बोला स्विच ऑफ करने के लिए, स्विच ऑफ किया मैंने। फिर बोल रहा है कि स्विच ऑन इग्निशन विथ एन ओरिजिनल की। अब चाबी चेंज करके, ये चाबी ने मैंने निकाल लिया इससे जिससे स्टार्ट नहीं था। अब ये लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से इग्निशन ऑन करते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन ऑफ की हैज बीन कंप्लीटेड, टर्न द स्विच ऑफ। अब यहाँ पे चाबी ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ जाके ओके करते हैं। चेक ऑल कीज टू इंश्योर ईच विल स्टार्ट इंजन, यानी अब चाबी चेक करना दोनों से हो रहा है कि नहीं। तो ओके करते हैं, अब स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कोई भी लाइट प्लस नहीं करा चाबी का। अब यहाँ फिर से आके ओके कर देते हैं। अब हम दोनों चाबी से स्टार्ट करके देखते हैं चाबी को। ठीक है, तो एक ये चाबी हमारा और एक ये, दोनों रहा तो एक यहाँ रखते हैं और इससे स्टार्ट करते हैं। इग्निशन ऑन किया मैंने, ये जो लाइट चाबी की थी फ्लस कर रही थी वो बंद हो चुका है, तो इंजन चालू हो गया। तो ये पहला चाबी से हो गया चालू। अब इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको साइड रखते हैं। ठीक है, अब ये जो चाबी है इससे स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। ये ऑन किया मैंने, अब इसकी सारी लाइटें बंद होगी। देखिए अभी भी स्टार्ट हो गया, और इसका रिमोट ऑटोमेटिक चाबी के साथ प्रोग्राम हो जाता है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो आपको एक बार दिखाता हूँ इसका रिमोट, देखिए यहाँ पर इसका मैंने लॉक दबाया, इसका लॉक दबाया, काम कर रहा है।
अब इसको अनलॉक दबाते हैं, ये भी काम कर रहा है। अब इसको यहाँ से बंद करके दिखाते हैं, ये देखिए ये लॉक हो गया, अनलॉक हो गया। अब इससे लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, तो दोनों चाबी काम कर रहा है। और एक बार और आपको स्टार्ट करके दिखा देते हैं यहाँ से, ये पहला चाबी हुआ हमारा, स्टार्ट हो गया। चाबी निकालता हूँ मैं, ये यहाँ पे रखता हूँ, फिर ये दूसरा चाबी लगाता हूँ मैं और यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोनों चाबी से स्टार्ट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। तो ये हमारा स्कैनर था, स्कैन प्लस एक्स, जिसे मैंने कोडिंग किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।